Today I'm going to Mia Tanish because it's Jasmine's birthday and I want to give her something really really nice. So these were the options, but I like this one. Hi Ali. Hi. कहाँ जा रहे हो तुम लोग बर्थडे पे? हम जा रहे हैं थाईलैंड. चिकी को मैंने मॉप भी करने के लिए बोला है बट चिकी ने ये वाला मॉप ऑर्डर किया है. So I'm having this. Shin Ramen Spicy. Hello everyone, this is Krishna Mukherjee and welcome back to my channel. So today I'm going to Mia Tanishq aur ek do jagah main aur jaungi because it's Jasmine's birthday and I want to give her something really really nice and then I'm gonna buy a cake for her and then main Ali ke ghar jaungi because she will be there. And tonight they're going to Bangkok, so हमारे साथ तो birthday celebrate नहीं कर पाएगी but little do. But I wanted to do something for her, so yes, I'm gonna buy these things and make her feel special. So these were the options, but I like this one. Very pretty. So Ali's new car is here. Yay! कैसे हो भैया? कैसा लग रहा है आपको नई गाड़ी में? मजा आ रहा है? तो बहुत ऊंची है. So this is Ali's car, straight out of kingdom. And I'm going to Ali's house because and Jasmine is not there. Jasmine किसी इवेंट के लिए गई थी, वो सीधा अपने घर गई है एंड रात को 2 बजे ये लोग निकल रहे हैं. सो आई वांटेड टू गिव दिस टू जैस्मिन, सो अली विल गिव इट टू हर. बर्थडे से पहले ही गिफ्ट देना चाहिए वैसे भी. हाय अली. हाय. कहाँ जा रहे हो तुम लोग बर्थडे पे? हम जा रहे हैं थाईलैंड. तुम लोग को और कोई जगह नहीं मिलती? नहीं. कुछ और एक्सप्लोर कर लेता. नहीं, हमारे को जाना था, हमारे को स्पेन जाना था, जापान का प्लान था, बट फिर खुदा ने मुझे शो दे दिया. तो अभी उसका शूट है सेटिंग को. गाइस प्लीज वॉच हिज शो, इट इज टू गुड. बहुत मजेदार है. नंबर 1 शो राइट. या एंड गिव आवर लव टू जैस्मिन. यस, हैप्पी बर्थडे टू जैस्मिन. बाय. टेक केयर. बाय. सो टुडे आज हमारी काम वाली आई नहीं है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूं. ओ सर, यू कैन टेक अ ब्रेक. चलो काम करो, ये फालतूपनी छोड़ो. सो आज काम वाली दीदी आई नहीं है एंड एक्चुअली उन्होंने आज काम छोड़ दिया. बट शी वाज सपोज्ड टू कम टुडे. कल से उन्होंने नहीं आना था बट एक दिन पहले ही से ही वो नहीं आई एंड आई न्यू इट. सो आज हम दोनों घर साफ कर रहे हैं, कल से नई वाली दीदी आएगी. फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस हमें 12 घंटे के लिए दीदी मिल गई है. यू शुड हैव अ सीरीज काम वाली बाय दीदी वर्सेस कृष्णा एपिसोड 1. ओके ठीक है, I'll keep that in my mind. So anyway, तो हम घर साफ कर रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइज कि घर दीदी हर रोज झाड़ू पोछा करती थी, उसके बावजूद देयर इज सो मच कचरा क्योंकि आज हमने घर साफ किया है. आई शो यू नाउ. सो ये जो कचरा है ये सिर्फ हॉल से निकला है. सोफे के नीचे से मैं हमेशा दीदी को बोलती थी कचरा निकालो बट नहीं निकालते थे. बट आज अगर दीदी ब्लॉग देख रही है तो क्या सोचेगी? तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो मैं पकड़ी गई. तो बाय द वे चिकी इज हेल्पिंग मी. चिकी को मैंने मॉप भी करने के लिए बोला है बट चिकी ने ये वाला मॉप ऑर्डर किया है बिकॉज बेचारा झुक नहीं सकता. इट्स नॉट दैट झुक नहीं सकता, जो चीज की आदत है वैसे यू शुड डू इट. अच्छा अच्छा, तुम ऐसे ऐसे कटका लगाते थे क्या चिकी? सो ऑल द पीपल हु know what I've done for a living or what I do for a living. Huh? So they'll know ki ye dino fuck kya rahe kind of. This is reminding me of my cadetship. So I've done this a million times. It's just like a refresher. You know? Achha, achha. And no matter what, I'll still be doing a better mop and jhadu than Krishna. चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है. इसका मतलब नहीं मैं करूंगा. गुड फॉर मी, गुड फॉर मी. मेरे से अच्छा झाड़ू पोछा करता है चिराग. सो आज के बाद चिराग ही करेगा. तालियां. मैंने अपना जितना भी स्किन केयर है वो मैंने अच्छे से साफ करके सब कुछ रखा है एंड यहाँ पे भी मुझे पूरा सेट करना है अभी. सो यस, शी इज डूइंग झाड़ू हियर
एंड मैं अपने आप को यहीं हार रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है इस वक्त। चलो गाइस बाय, मैं जल्दी से घर साफ करती हूँ, उससे पहले चिकी इस कबर्ड के पीछे इतना कचरा है, आई कॉन्ट दिस। सो चेकिंग यू आउट। फ्रेंड्स का वो सीन याद आ गया मुझे जहाँ पे वो उसकी पैंट चेक कर रही होती है लेकिन बिटवीन हर क्रॉच। सो चिकी को डस्ट से एलर्जी है इसलिए उसने अपना फेस कवर कर लिया। डस्ट एंड बुलशिट, या सेम हियर, दैट्स समटाइम्स फ्रंट ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स आई कीप स्नीजिंग। तो ऊपर से वो ब्रश के साथ क्लीन कर रहा है। थैंक गॉड चिकी इज हेल्पिंग मी टुडे, ए एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एवरी टाइम। सो आई हैव चेंज दिस अ लिटल। ये जो है पहले यहाँ पे था एंड देन यहाँ पे था, नाउ इट इज देयर एंड आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस नाउ। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दिस सोफा कम बेड थिंक इज हमारे घर पे लोग आते रहते हैं एंड वी नीड वन सोफा कम बेड, सो डोंट नो व्हाट टू डू, बट दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। स्टिल कन्फ्यूज विद द प्लांट कि इसको कहाँ पे रखना है। आई थिंक आई कट इट अ लिटिल सो दैट थोड़ा सा छोटा हो जाए। आई डोंट वॉन्ट टू कट इट बट आई हैव टू, आई एम सो सॉरी। सो दिस इज हाउ दिस कॉर्नर इज लुकिंग नाउ। एंड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे बाद में लगानी हैं, मैंने अभी साइड पे रखी हैं एंड आई लव दिस वन। सो ये मैं कल लगाऊंगी बिकॉज आज आई एम टायर्ड एंड लुक एट माई बेबी, व्हाट यू डूइंग। ये चिराग की कुछ चीज़ें हैं जो शिप की हैं, सो उसने यहाँ पे लगाया है एंड दे लुकिंग नाइस। ये प्लांट बाहर था बट मैंने अभी यहाँ लगा दिया बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान है। किचन इज ऑल्सो क्लीन नाउ। और ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स थे जो मैं लेके आई थी, ये तो अली का है, उसको बाद में दूंगी बिकॉज इज इन बैंकॉक राइट नाउ। और ये इंसान 20 मिनट पड़ा होगा उसके बाद थक गया। एंड यहाँ पे भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ये जो था ये यहाँ पे था और ये लैम्प यहाँ पे था तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। एंड सोफ़ा थोड़ा सा खिसकाया है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। लुक एट हिम, व्हाट इज ही डूइंग, ठीक है लुक एट। और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रखा है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लगाऊंगी। सो आई रियली लाइक दिस कॉर्नर। ये वाला प्लांट मैंने यहाँ पे रख दिया और ये वाला प्लांट अंदर था तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, सेंस नहीं बन रही थी। ये तो वैसा ही है, सेम चेंज नहीं हुआ है। एंड मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, इंटरमीडियंट फास्टिंग हो गई थी मेरी, तो मैंने अभी 8 बजे अपना डिनर किया है, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद अब 8 बजे मैंने अपना डिनर किया है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जल्दी सब कुछ हो जाएगा बट इतना ज़्यादा टाइम लगा। दिस वन नीड सम अटेंशन बिकॉज आई डिडंट गिव मच टाइम टू हिम टुडे। व्हाट डू यू वांट पुपी, व्हाट डू यू वांट माय चोनू बेबी, व्हाट डू यू वांट। ओके आई गॉट इट, ठीक है, इट मीन्स ही नीड सम टाइम। Where is it? He can't find it. So I had early dinner today. मैंने 7:45 तक डिनर कर लिया था बिकॉज मैंने लंच नहीं किया था, सारा दिन मैं घर साफ कर रही थी। आई स्वेयर मैंने एक चीज़ देख ली है, चाहे आपके घर में काम वाली आती हो, मेड आती हो, लेकिन जैसे आप अपना घर साफ करते हो ना वैसा कोई भी नहीं कर सकता। लाइक मैंने और चिराग ने आज इतना ज़्यादा कचरा निकाला घर से,
that I can't believe. Like, abhi mujhe ghar itna acha lag raha hai, itna saaf lag raha hai. I'm feeling so good and light. So yes, we were supposed to make some content for you guys, but हम दोनों इतने ज़्यादा थके हुए थे कि हम लोग कुछ नहीं बना पाए. And we thought of watching a movie because थोड़ा एक change चाहिए था. पूरा दिन पुचारे ने उसने भी बहुत काम किया. And Sundays to relax. First Chirag मेरे लिए तो अभी चलो I'm not working, so every day I'm relaxing only. But for him, you know, this stage to relax. But still उसने मेरे साथ सारा काम कराया. That's really sweet of him. Thank you. And by the way, I was so hungry. So I'm having this Shin Ramen spicy. बस अभी थोड़ी देर बनने वाले हैं. I know मुझे सो जाना चाहिए था क्योंकि अर्ली डिनर करते हैं तो सो जाना चाहिए, नहीं तो फिर यू एंड अप ईटिंग अगेन. बट देन वी वॉन्टेड टू यू नो एन्जॉय संडे थोड़ा सा, तो पूरा दिन तो काम करने में निकल गया. तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी मूवी देख लेते हैं. जस्ट मूवी ख़त्म हुई है एंड आई वाज सो हंग्री, सो आई थॉट ठीक है कोई बात नहीं. कल से तो जिम जाना ही है क्योंकि कल से थैंक गॉड हमारी दीदी आ रही है एंड शी इज़ गोइंग टू बी हियर विद अस फॉर 12 आवर्स. क्योंकि 24/7 मुझे नहीं चाहिए. आई कॉन्ट स्टैंड, मतलब मुझे 24/7 मुझे अपने साथ कोई नहीं चाहिए. आई नीड सम प्राइवेसी. सो 10-12 घंटे के लिए दीदी आ रही है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई होप वो अच्छे से घर साफ करें एंड खाना वाना अच्छे से बनाए. टेस्ट इट. Why is it so spicy? It's not chicken. Because it's spicy ramen. But you like it, right? Yeah, but kale sawara na ganti lo na tum kaise. Iska matlab hai abhi nahi pata chalega lekin kal subah zarur pata chalega. And I hope you guys know. Daddy, I also want. Savarni, तुझे भी पता चलेगा. I don't know, गुजराती कैसे बोलते हैं. मैंने अपने लिए बनाए थे चिकी, by the way. So, aww. High five. He's like, no high five. Give me the food. Now, I am going to try it. Are you asking for it? Chirag is tikka lagta, but still he's having it because it's so tasty. I like eating it, but I can't, my body can't handle it. There's a difference. It's like how. This is your last bite, okay? I'm very hungry. So, I like spicy food, but I can't handle it. The same how I like you, but I can't handle it. Captain, come in. Hello everyone. So finally, it's time to sleep. Now I'm gonna do my night care routine. So now I'm gonna use niacinamide. Okay. Don't forget your neck. Okay, I'm gonna show you. This little one, what is it doing? What are you doing? He wants to play. It's time to sleep. Now I'm gonna use retin oil. So it's actually very convenient for me ki maine sara samaan is side mirror ke paas rakh diya. You has. Retin oil is really that, good for your skin if you like after that your napkin, 30s. I Captain's asshole with that napkin, I just know. It's okay, he's my son. Even if you wipe his asshole, I don't mind. So after your 30s, you should start using, like before your 30s actually, you should start using retin oil because it helps in, you know, reducing your fine lines and all. Now I'm gonna use my moisturizer. Today I'm gonna use this one.
but mostly these days I'm using CeraVe. It's really good. But हाँ, उसको लगा के थोड़ी sweating होती है. Like when I get up in the morning, my skin is like glowing every day. Chiki, do you want to do any skincare? No, I wash my face in the evening. It's okay. So normally I keep like I break more than 20 hours. So if I wash my face in the last 12 hours, I'm good. Alright. So yes, ये मेरे सारे products हैं यहाँ पे, and I'm gonna make a small vlog tomorrow. I'm gonna show you guys my skincare. All the products, skincare products. Yeah. I'm gonna brush my hair. And in my comment, somebody told me that not to, you know, wear those hair rubber bands. वो बोले रबर बैंड्स तो पतले से होते हैं, उससे भी ब्रेकेज होती है क्या? एनी वे, मौसम ऐसा है अभी तो वैसे ही ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से कंडीशनर करो और साथ में आप अपना सीरम वगैरह लगाओ अच्छे से, ताकि जब आप कॉम करो अपने हेयर तक ब्रेकेज कम हो. एंड ऑल्सो Whenever you comb your hair, जब उल्टा करके अपने बालों को comb करते हैं तो blood circulation होता है and उसकी वजह से आपकी hair growth होती है. So guys, ये था मेरा रात का night care routine and now I'm gonna sleep. See, increase blood circulation what is really happening. He will tell you what to do. He wants to play, Chiki. चलो guys, I'm off to sleep now. और कल सुबह उठ के मुझे बहुत सारी videos बनानी हैं. Good night. Good night. Sleep tight. Sleep tight. Don't let the bug bites.